अब कर लेते हैं शाम की जोत, जोत जगा लेते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया है तो जोत का टाइम हो ही गया। मंदिर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम बाहर ख़राब है, हल्की हल्की बारिश हुए जा रही है। सो अभी करते हैं शाम की जोत। ऐसे हो गई है ठंड, अब फिर से गर्म कपड़े निकल आए हैं, जैकेट, अब फिर से जैकेट पहन ली है। अब ठंड लगेगी तो भाई पहनना ही पड़ेगा, बाहर बारिश हो रही है। अच्छी भली धूप हो गई थी और अच्छा मौसम हो गया था, सोचा अब गर्म कपड़े गए, लेकिन ये शिवरात्रि तक ऐसा ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ये भी ठीक। अब यहाँ पर जगा रही हूँ जोत में, और पहले कर लूँगी घी गरम, क्योंकि आजकल पूरा घी जम जाता है। जम जाने के बाद क्या है कि उसको ऐसे निकालने में मुश्किल हो जाती है। मैं जोते भी घी में डाल के कुछ रख देती हूँ कटोरी में, तो वो भी फिर गर्म करनी पड़ती हैं, नहीं तो एकदम एक दूसरे से के साथ इतनी जुड़ी रहती हैं ना, तो वो फिर छूटती नहीं है गर्म करे बगैर। तो अब यहाँ पर जगाऊंगी जोत, और कपूर शाम को मैं जगाती हूँ। घर में दिखाना कपूर अच्छा होता है, गुड वाइब्स आती हैं। और आज हम गए थे मार्केट, मार्केट से क्या लाए वो देखना आप, मार्केट से क्या क्या सामान आया। किसी को गिफ्ट देना था सो वो लाए, और कुछ घर का सामान लाए, मेरे अगरबत्तियाँ पूजा पाठ का सामान, अगरबत्ती धूप बत्ती और रुई की बत्तियाँ जो होती हैं वो ख़त्म हो गई थी, ख़त्म हो गई नहीं बोलना चाहिए, बढ़ गई थी, तो वो लाए हैं। वो लाने के बाद फिर चले गए थे गिफ्ट लेने, गिफ्ट लेने के बाद चले गए थे कुछ और सामान घर का छोटा छोटा खरीदने, वो लेके आए। अब यहाँ पर जगा दी मैंने जोत, अब दिखा दिया मैंने कपूर, तुलसी जी के पास भी दिखा दी जोत लगा दी है। तो एक मैंने मंगवाई है श्री श्याम खाटू जी की, श्याम बाबा की फ़ोटो, वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कितनी सुंदर आई है, मैंने अमेजोन से मंगवाई है। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी होगी, लेकिन नहीं अच्छी आई है फ़ोटो, तो मन खुश हो गया देख करके, तो आज ही आई है। ये लाई हूँ मैं चिप्स, रंग बिरंगे अलग अलग से, कुछ साबूदाने के हैं कुछ दूसरे हैं। अब मैं इसको फिल कर देती हूँ इसमें डिब्बे में। ये रख दिए भर के, और कभी कभी मन करता है चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाने का, तो चलो मैं लाई हूँ ये मरूंडा। आप लोग बताना किस किस ने खाया है ये बचपन में, हमने तो बहुत खाया है। और एक लाई हूँ ये वाले पापड़, अजवाइन वाले पापड़ हैं ये। ये बन गया मेरा मक्खन, मेरा नहीं मतलब मलाई का मक्खन, ये बना लिया है। ये बन गया है मक्खन, अब बनाते हैं इसका घी। तैयार हो गया है मक्खन, अब इसका बना लेते हैं घी। आज बनाई है पत्ता गोभी।
कर देते हैं कवर। इधर बन रही है चाय मेरी और शांति की। अब डाल देते हैं दूध। ये हो गया है जी घी तैयार हमारा। देखो गैस कर देते हैं कम। अगर हिलाते रहो तो ठीक है, नहीं तो बर्तन ही जल जाता है, साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप रेगुलर इसको हिलाते रहते हो तो नीचे बिल्कुल नहीं लगता है। अगर घी रख के इधर उधर हो जाओ फिर तो बर्तन साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। देखो अब बिल्कुल भी नहीं नीचे लगा है हिलाने से। मैं उतनी देर हिलाते रही हूँ जब तक नहीं तैयार हुआ घी। थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। देखो जी बन गया है घी। डाल देते हैं अब डिब्बे में। बाकी सारे डिब्बे भर गए हैं, अब नया डिब्बा लगाया मैंने। अब देखो नीचे से नहीं कढ़ाई जली। अब ऐसे अगर करो तो थोड़ी बहुत होती है लेकिन ये छूट जाती है। कभी कभी इतनी जल जाती है ना कि छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है। इतना निकला घी 250 ग्राम से तो ऊपर निकला है। ब्लॉक का अब इसके साथ